तो सैमसंग हेल्थ के लिए एक नया अपडेट सैमसंग ने रोल आउट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इसी अपडेट के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। व्हाट्स न्यू में देख सकते हैं क्या कुछ नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। बात करें वर्जन की तो यहाँ पर देख सकते हैं 6.22.5.039 इसका वर्जन है। 110 MB का ये अपडेट है। 20 अक्टूबर को ये रोल आउट किया गया है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या कुछ नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गैलेक्सी स्टोर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको मेन्यू पर क्लिक करना है, अपडेट्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे अपडेट्स आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सैमसंग हेल्थ का एक अपडेट देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्स न्यू में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अपडेट के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसको आपको अपडेट कर लेना है लेटेस्ट वर्जन में। यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है दोस्तों। तो मिलते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो गया है। तो अपडेट के बाद यहाँ पर सबसे पहला फीचर है योर टुगेदर प्रोफाइल इज डिस्प्लेड ऑन योर पेज। तो इसको ओपन करते हैं, उसके बाद माय प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर माय पेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो इंटरफेस है उसको सैमसंग ने हल्का सा चेंज किया है। यहाँ पर दो नए ऑप्शन ऐड किए हैं, फ्रेंड और माय क्यूआर कोड। तो यहाँ से आप फ्रेंड को देख सकते हैं, जो जो फ्रेंड्स सैमसंग हेल्थ यूज करते हैं, और QR कोड से आप स्कैन कर सकते हैं। यू कैन कंपेयर योर स्टेप विथ अदर यूजर्स इन द सेम एज ग्रुप। तो ये फीचर भी नया है, इसके लिए आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको स्टेप्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंपेयर माई स्टेप्स। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं स्टेप्स को अपने एज ग्रुप के साथ। तो ये भी एक नया फीचर ऐड किया है सैमसंग ने इस नए अपडेट के अंदर। इसके अलावा वन यूआई 5.0 में जो फीचर्स हैं, ये सभी फीचर्स को इम्प्रूव कर दिया गया है दोस्तों। जो यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर होम हो गया, स्टेप हो गया, टुगेदर हो गया, ETC हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया गया वन यू आई 5.0 के लिए। तो जिन भी डिवाइसेस में वन यू आई 5.0 का अपडेट आएगा, उन डिवाइसेस में भी ये जो एप्लीकेशन है वो अच्छी तरह से वर्क करेगा दोस्तों। तो जाइए गैलेक्सी स्टोर पे और अपडेट कीजिए सैमसंग हेल्थ एप्लीकेशन को और यूज कीजिए इसके सभी फीचर्स को। तो यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।